हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 8 जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहां पर इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो हमारा जो मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं देन इट विल बी एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। 6 to 7 एमसीक्यूज अगर आप करेक्ट कर पाते हैं देन इट विल बी अ गुड परफॉर्मेंस। ये जो जोन है हमारा, ये सेफ जोन है बिकॉज यहाँ पे प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाएगा। थर्ड जोन जो है आपका 4 to 5 एमसीक्यूज वाला, दिस इज अ डेंजर जोन। वाई? बिकॉज यहां पर आपके जो मार्क्स रहते हैं 40 to 55% की ब्रैकेट में रहते हैं और यू आर नॉट सो श्योर जब तक रिजल्ट नहीं आता है कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा या नहीं होगा। देन अगर लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज आपके करेक्ट है देन ऑफकोर्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके दोनों ही डेंजर जोन में आते हैं। अगर ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते रहते हैं एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा और रिविजन करते रहते हैं अपने सिलेबस की और जो उसके अंदर कॉन्टेंट है, यहां पर आपके मार्क्स जो है ग्रेजुअली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे और अपर ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। बुक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बुक लिस्ट के बारे में पूछते हैं तो उसे डिस्क्रिप्शन में परमानेंट बेसिस पर डाल दिया गया है। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज नेट्सकोफैन? तो नेट्सकोफैन न्यूज में था, क्यों न्यूज में था ये डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसके ऊपर क्वेश्चन है कि ये चीज क्या है क्या ये। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए। इज इट अ पोर्टल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कोई पोर्टल खोला गया है। इज इट अ पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स? गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कोई पोर्टल खोला गया है। या फिर ये नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, या फिर जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है नेटवर्क ऑफ रिसर्च एंड अकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो नेट्सकोफैन के बारे में सोचिए, पॉज करिए वीडियो को, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे वापिस आके। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए हुआ क्या, रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने नेट्सकोफैन को लॉन्च किया। ये है क्या? ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, खासतौर पर जो न्यूट्रिशन और फूड वाले एरिया के अंदर है, उनका एक नेटवर्क बनाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। इसके अंदर 8 ऐसी इंस्टीट्यूशन है, किस एरिया में? फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में, जिनको इंक्लूड किया गया। देख लीजिए एक बार कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। तो बायोलॉजिकल, केमिकल एरिया में, न्यूट्रिशन एंड लेबलिंग में, फूड एंड एनिमल ओरिजिन, फूड एंड प्लांट ओरिजिन, वाटर बेवरेजेस, फूड टेस्टिंग, सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग। तो ये जो 8 डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट 8 एरियाज में काम कर रहे हैं, इनका एक नेटवर्क जो है वो बनाया गया जिसको नाम दिया गया नेट्सकोफैन। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट चाइनीज पेडल फिश, जिसका नेम है उसको सेफेरिस ग्लेडिस भी कहा जाता है। तो चाइनीज पेडल फिश याद रखिएगा, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पे न्यूज में ये काफी चाइनीज पेडल फिश जो थी वो न्यूज में दी गई थी तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म किया गया। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, द फिश वॉज लिविंग इन यांगजे रिवर। तो जो फिश है वो यांगजे रिवर में रह रही थी, हो सकता है। द लेंथ ऑफ द फिश इज 2 to 3 मीटर्स, जो कि 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, हो सकता है। देन इट वॉज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन चाइना। तो चाइना में ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, मतलब सबसे लंबी फ्रेश वाटर फिश है, हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए फिर सोचिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं फिर। चलिए डिस्कस करते हैं। ऐसे हुआ क्या है, क्यों इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा, बिकॉज रिसेंटली चाइना ने एक 10 साल का फिशिंग बैन लगाया है यांगजे रिवर के ऊपर। यांगजे रिवर जो है आपकी एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, एशियाज बिगेस्ट रिवर है, और इस रिवर के अंदर फिशिंग बैन लगाया है किसने? चाइनीज गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है और डेटा ने भी ये प्रूव किया कि ऑलरेडी काफी सारे स्पीसीज जो है वो यांगजे रिवर के अंदर से लुप्त हो चुके हैं, दैट इज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें चाइनीज पेडल फिश भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा बाकी जो 2 स्पीसीज है उसके नाम मैं आपको बता देता हूं। 1 इज रीव शेल, ये भी एक टाइप के फिश है, और इसके अलावा है यांगजे डॉल्फिन, राइट? तो यहां से काफी सारी स्पीसीज जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। इसी वजह से चाइना ने रिसेंटली क्या किया है, जो यांगजे रिवर है इसके अंदर कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां पर फिशिंग को बैन कर दिया गया फॉर द टाइम बीइंग। तो यहां पे द फिश वॉज लिविंग यांगजे रिवर, देखिए क्योंकि चाइनीज पेडल फिश भी जो है ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इससे पहले ये यांगजे रिवर में रह रही थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इसकी लेंथ के बारे में स्टेटमेंट दिया कि इसकी लेंथ यूजुअली 2 से 3 मीटर होती है लेकिन ये 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट वॉज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन चाइना, तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट होती है। आंसर हो जाएगा डी। एक बार इमेज में देख लीजिए किस तरीके से ये दिखती है। तो जो ये रिवर है यांगजे रिवर, यहां पर कुछ एरियाज के अंदर चाइना ने फिशिंग के ऊपर बैन लगाया है, ये न्यूज में था, इसी वजह से पर्टिकुलर फिश के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच प्रिविलेजेस आर अकॉर्डेड टू अ लैंग्वेज व्हेन एडेड इन 8th शेड्यूल। आपको पता है कि हमारी जो 8th शेड्यूल है इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस दी गई है, राइट?
और इसके अंदर अगर किसी भी लैंग्वेज को ऐड कर लिया जाता है तो क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती हैं उस लैंग्वेज को। अब ये क्वेश्चन क्यों फॉर्म किया गया, क्योंकि तुलु लैंग्वेज जो है वो काफी न्यूज में थी, उसके बारे में, तुलु लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि अगर 8th शेड्यूल के अंदर किसी भी लैंग्वेज को, मान लीजिए कि तुलु को ही 8th शेड्यूल में ऐड कर लिया जाता है, तो क्या क्या फायदे होंगे। तो यहां पे बता रखे इट वुड गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम साहित्य एकेडमी। आपको पता है साहित्य एकेडमी के पुरस्कार मिलते हैं और वो उसी लैंग्वेजेस के अंदर मिलते हैं जो कि आपकी 8th शेड्यूल में है। तो क्या ये एक बेनिफिट मिलेगा 8th शेड्यूल के अंदर ऐड करने के बाद? हो सकता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट इज एमपीज एंड एमएलएज कुड स्पीक इन दैट लैंग्वेज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। तो अगर किसी भी भाषा को 8th शेड्यूल के अंदर में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर एमपीज और एमएलएज जो है वो हमारी असेंबलीज में और पार्लियामेंट में बात कर पाएंगे। हो सकता है। देन कैंडिडेट्स कुड राइट ऑल इंडिया कंपेटेटिव एग्जाम्स लाइक द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन दैट लैंग्वेज। तो अगर किसी भी भाषा को 8th शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो वहां पर भी उस भाषा में एग्जाम दिए जा सकते हैं। तो यहां पे पॉज करिए वीडियो को, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था तुलु लैंग्वेज जो है इसको 8th शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। ये बोली कहां पे जाती है? देखिए कर्नाटका के दो ऐसे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं और साथ में एक कासरगोड जगह है केरला के अंदर, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, वहां पर तुलु लैंग्वेज जो है वो यूज करी जाती है। और ऐसा भी कहा गया है कि जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं तुलु लैंग्वेज के, वो नंबर ऑफ स्पीकर्स जो संस्कृत के हैं और साथ में जो मणिपुरी के हैं, इनके स्पीकर से ज्यादा है, राइट। और ये दोनों ही लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है, तो क्यों ना तुलु लैंग्वेज को भी 8th शेड्यूल में डाल दिया जाए, क्योंकि इसके स्पीकर, जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं वो भी ज्यादा हैं। और अगर कल्चरल डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तुलु लैंग्वेज को वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज कहा जाता है द्रविडियन फैमिली की, राइट। तो ये इस एमसीक्यू का पूरा बैकग्राउंड था। और यहां पे अगर बात करी जाए, अगर तुलु लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसके बाद ऑफकोर्स साहित्य अकेडमी के लिए भी और साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए भी रिकॉग्निशन मिल जाएगी। एमपीज और एमएलएज जो है वो तुलु लैंग्वेज को यूज कर पाएंगे हाउस के अंदर। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसके अंदर अगर कोई भी जो एस्पिरेंट है वो तुलु लैंग्वेज में पेपर देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ सेक्शन ऑफ सिटीजंस हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजन को ये राइट देता है कि अगर उसकी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है तो वो उसको कंजर्व करने का राइट रखता है? क्या वो आर्टिकल 28 है, 29, 30, 31? पॉज करिए वीडियो को, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़पेपर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस किया गया था और वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। हमारा आंसर होगा आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 जो है वो सिटीजन्स को राइट देता है कि वो चाहें तो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने के लिए यहां पर एफर्ट्स ले सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट गुरुद्वारा जन्म स्थान। तो गुरुद्वारा जन्म स्थान जो है इसके ऊपर यहां पर दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है द जन्म स्थान श्राइन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा रणजीत सिंह। तो अगर आपने हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स देखे हो और वहां पर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड वॉरियर। उनके टाइम में जो उनकी फोर्स थी दैट वॉज कंसिडर्ड एज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल फोर्स। उन्होंने पूरी इंग्लिश लाइन्स के ऊपर या कहें वेस्टर्न लाइन्स के ऊपर अपनी पूरी फोर्स बनाई थी। और उनको यहां पे कहा गया कि जो जन्म स्थान श्राइन है वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई थी। हो सकता है। इट इज लोकेटेड इन बांग्लादेश। तो ये जो श्राइन है ये बांग्लादेश में लोकेट करती है। वीडियो को पॉज करिए, फिर इस श्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी एक इमेज देखेंगे और आंसर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसके पीछे की पहले कहानी देखते हैं, क्योंकि उस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है और आपको याद भी रहेगा। देखिए जब बैटल ऑफ मुल्तान से जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो वापस आ रहे थे, लौट रहे थे वहां से, 1818 और 1819 की ये बात है, राइट। तो वापस आते हुए उन्होंने क्या किया, वो ननकाना साहिब करके एक जगह थी पाकिस्तान के अंदर, एक सिटी थी ननकाना साहिब, वहां पर रुके और वहां पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहां पे गुरुद्वारा जन्मस्थान बनाया जाएगा जिसको ननकाना साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है, राइट। तो बैटल ऑफ मुल्तान से जब वापिस आ रहे थे वो एक सिटी में रुके जिसका नाम था ननकाना साहिब और वहां पर उन्होंने कहा कि यहां पे हम एक जन्मस्थान जो है वो बनाएंगे। और उन्होंने जन्मस्थान दैट इज ननकाना साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब सिटी के अंदर बनवाया। तो पहली स्टेटमेंट यहां करेक्ट हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसको किसने बनवाया? महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। सो इज इट लोकेटेड इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में नहीं, ये वेस्टर्न पाकिस्तान दैट इज पाकिस्तान के अंदर लोकेट करता है, राइट। आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक बार इमेज देख लेते हैं इसकी, तो कुछ इस तरीके से दिखता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, कोई भी माइनॉरिटी हो चाहे वो रिलीजन पे बेस्ड हो या लैंग्वेज पे बेस्ड हो, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि वो अपने किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इस चीज का राइट उनको मिला हुआ है. तो ऐसे कौन सा आर्टिकल है? तो क्या वो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 है? सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं. पॉज कर लीजिए वीडियो को. तो ये क्वेश्चन बनाने का जो रीजन है वो ये है, न्यूज जो थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है कि वो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स कर पाए, मतलब पूरे तरीके से उस इंस्टीट्यूट की नहीं चलेगी, उनके पास पूरा एब्सोल्यूट राइट नहीं रहेगा इन डिसाइडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स. तो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स में एब्सोल्यूट राइट जो है वो नहीं दिया जाएगा इन इंस्टीट्यूट्स को. तो इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया. हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था आर्टिकल किस चीज की बात करी गई थी, वहां पे बताइए, जहां पे कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, कंजर्वेशन ऑफ वंस लैंग्वेज जो कि यूनिक है, जो कि डिस्टिंक्ट है, उसकी बात करी थी. वहां पे जो हमारा आर्टिकल था वो था आर्टिकल 29. तो ऑफकोर्स यहां पे आर्टिकल 29 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. तो बाकी बचे हुए तीन आर्टिकल में से सोचिए क्या हो सकता है. तो यहां पे हमारा आंसर है आर्टिकल 30. जो आर्टिकल 30 है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो या लैंग्वेज बेस्ड हो, ये राइट देता है कि वो चाहे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और चाहे तो उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं. लेकिन जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो ये कहती है कि जहां पर अपॉइंटमेंट की बात आती है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स की, वहां पर इन इंस्टीट्यूट को कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है और गवर्नमेंट चाहे तो इसके अंदर इंटरवीन कर सकती है. चलते हैं आगे इसके. तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आपको पता है जो आर्टिकल 30 की हम बात कर रहे थे काफी सारी प्रिविलेजेस मिली होती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि अगर उनकी लैंड ले ली जाती है तो वहां पे उनको कॉम्पनसेशन अच्छा खासा दिया जाता है. साथ में ही आर्टिकल 15.5 कहता है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर उनको रिजर्वेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है. लेकिन यहां पर जो रिसेंट जजमेंट थी उसके हिसाब से जो 6-14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, और ये किन की बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन की, इनके लिए 25% रिजर्वेशन का जो है प्रोविजन है. लेकिन ये चीज भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा एक सेंट स्टीफन वर्सन दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस था 1992 का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने यहां पर 50% रिजर्वेशन रख सकते हैं. किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, राइट. तो एक तो ये चीज हो गई, माइनॉरिटीज के लिए वो रिजर्वेशन रख सकते हैं 50%. आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 जो है ये एग्जम्प्ट करता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को किस चीज से? रिजर्वेशन से. तो यहां पे ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन होता है, जो राइट टू एजुकेशन के अंडर में दिया गया है, जो बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो अप्लाई करते हैं, वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है. तो यहां पे दो चीजें ध्यान रखिएगा, कॉम्पनसेशन इनको मिलता है यहां पर, वो मैंडेटरी होता है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा कॉम्पनसेशन देना है इनकेस उनकी लैंड एक्वायर होती है. किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की लैंड एक्वायर होगी तो वहां पे अच्छा खासा कॉम्पनसेशन जो होगा वो मैंडेटरी होगा गवर्नमेंट के लिए देना. सेकंड चीज है रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते हैं. 50% रिजर्वेशन का प्रोविजन था, मैंने आपको सेंट स्टीफन वाला जो केस था वो भी बता दिया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सेवन क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट IDRSS. तो IDRSS क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन को आंसर करना आसान हो जाएगा. सो इट्स अ 2000 kg सैटेलाइट सिस्टम एंड विल बी लॉन्च फ्रॉम PSLV. तो ये 2000 kg का एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसको PSLV से लॉन्च किया जाएगा. सेकंड, IDRSS विल बी प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, हो सकता है. इट विल बी अ सेट ऑफ सैटेलाइट्स दैट विल ट्रैक सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट्स. ये भी हो सकता है. वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं. देखिए IDRSS की फुल फॉर्म है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है. तो आपको यहीं से नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए होगी. तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट आप इससे आंसर कर पाएंगे, दैट इज इट विल बी अ सेट ऑफ सैटेलाइट्स जो कि ट्रैक करेंगे, सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर इंडियन सैटेलाइट्स. तो जो ऑलरेडी हमारी सैटेलाइट्स अवेलेबल है उनके साथ कम्युनिकेशन करने में, डेटा कलेक्ट करने में, डेटा एक्सचेंज करने में ये जो सैटेलाइट सिस्टम होगा ये हेल्प करेगा. तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है. सेकंड की बात करते हैं, IDRSS विल बी प्लेस इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. तो यस, इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रखा जाएगा. और इसके अलावा
इसको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज किया जाएगा दैट विल बी जीएसएलवी, दैट इज जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो पीएसएलवी का यूज नहीं किया जाएगा। ये जो 2000 केजी का सैटेलाइट सिस्टम है, इसके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं उनका जो वेट रहेगा वो 2000 केजी के आसपास रहेगा, और जो लॉन्च व्हीकल को यूज किया जाएगा दैट विल बी जीएसएलवी नॉट पीएसएलवी। पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, आंसर हो जाएगा डी। आपको याद होगा कि कुछ वीडियोस पहले हमने गगनयान मिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको 2022 तक इसरो के चेयरमैन ने कहा था कि 2022 में हमारी 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी होगी, तो हम कोशिश करें कि 2022 से पहले ही गगनयान को भेज दिया जाए, विच वॉज अ मैंड मिशन। तो वहां पर भी आईडीआरएसएस जो है एक कॉन्स्पिक्यूस रोल प्ले करेगा। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और फर्स्ट ऑफ द सेटेलाइट जो इसका होगा बाय द एंड ऑफ 2020, और सेकंड जो होगा 2021 तक भेजा जाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। तो आपको पता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है हमारे पास, और उसके लिए जो फंड होता है दैट इज कॉल्ड द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। इसके ऊपर तीन स्टेटमेंट दिए यहाँ पे और आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट कहती है द अर्सवेल नेम ऑफ एनडीआरएफ वॉज नेशनल कलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड। तो जो पहले इसका नाम था वो था एनसीसीएफ हो सकता है। सीएजी दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन नॉट ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के अकाउंट जो है वो सीएजी के लिए ओपन नहीं करे जाते, हो सकता है। दिस फंड इज मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस फंड को सेंट्रल गवर्नमेंट खुद मैनेज करती है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर वापिस आके डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था एनडीआरएफ, क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपए रिलीज करे हैं 7 डिफरेंट स्टेट्स के लिए, यूपी, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिसके लिए अभी 6,000 करोड़ रुपए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए इशू करे गए हैं, राइट। तो इसी वजह से ये न्यूज में था और हमने क्वेश्चन बनाया इसके ऊपर। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं कि पहले क्या इसका नाम एनसीसीएफ था, नेशनल कलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले इसका नाम एनसीसीएफ था, और 2005 में जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था उसको बेस बनाते हुए 2010 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो एनडीआरएफ के व्हाट अबाउट अकाउंट्स, कि क्या वो अकाउंट्स ऑडिट करे जा सकते हैं सीएजी के द्वारा? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि सीएजी के बारे में लिखा है कि सीएजी एनडीआरएफ के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या चीज है, एक्चुअल में सीएजी चाहे तो एनडीआरएफ के अकाउंट, और वो करता भी है, अकाउंट्स को ऑडिट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पे इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड की बात करते हैं, दिस फंड इज मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफकोर्स जो एनडीआरएफ आपको पता है नेशनल, इसके आगे वर्ड आ गया, तो ऑफकोर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करेगी। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, देन हमारे पास स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी होते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टेट्स के पास अलग से फंड होते हैं और सेंटर के पास अपना अलग से फंड है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। चलते हैं आगे, ये आप जो एफर्ट्स एनडीआरएफ लेती है वो देख सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, वट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में था, इसी वजह से इसका IUCN स्टेटस पूछा गया। सोचिए इसके आंसर के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। तो IUCN स्टेटस जो है इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये अगर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट की बात करी जाए तो वहां पर शेड्यूल वन में आता है। और कौन कौन से स्टेट्स में मिलते हैं अगर बात करी जाए, तो ये गुजरात में, देन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये रीजन्स में, इवन कर्नाटका में भी मिल जाता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। तो IUCN स्टेटस आपको पता चल गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और शेड्यूल वन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। मैंने आपको स्टेट्स भी बता दिए, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में आता है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर पूछा जाए ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया था, तो राजस्थान ने ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था वो स्टार्ट किया था। इसमें जो इनके ब्रीडिंग एरियाज होते हैं किसके, इस पर्टिकुलर स्पीसीज के, उसके चारों तरफ फेंसिंग करी गई थी ताकि इनके एरिया को और इनकी ब्रीडिंग की जो पूरी एक्टिविटी रहती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और इस पर्टिकुलर बर्ड को कंजर्व किया जा सके। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग जो कुटुपुई फेस्टिवल। तो जो कुटुपुई फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है? तो क्या मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम? सोचिए फिर ये फेस्टिवल क्या है, ये भी देखेंगे और इसके ऊपर एक इमेज भी देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ज़ोकुटुपुई फेस्टिवल जो है ये मिजोरम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, राइट। इसमें क्या होगा, मिजो ट्राइब्स को यूनिफाई करने के लिए ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है, फर्स्ट फेस्टिवल वुड बी हेल्ड एट वैनगुम, वैनगुम करके एक जगह है, और ये कहां पर है, दिस इज
हब टाउन ऑफ मीजोस इन द त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के अंदर जो मीजोस का टाउन है, मीजो ट्राइब का, वहां पर एक जगह है वेंगमुन, वहां पर ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और कर कौन रहा है? मिजोरम गवर्नमेंट। मिजोरम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन वो कहां पे रहा है? त्रिपुरा के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और करा किस लिए जा रहा है? इसका एम यही है कि रीयूनिफाई किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ मीजो। तो मीजो जो एक आपकी ट्राइब है, उसके अंदर भी वेरियस सब ट्राइब्स हो सकती है, तो उनको एक तरीके से उनका रीयूनिफिकेशन करने के लिए, जैसे आपका कॉलेज का स्कूल का रीयूनिफिकेशन होता है, उस तरीके से रीयूनिफिकेशन करने के लिए वेरियस ट्राइब्स का ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है, फर्स्ट फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा इन त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। चलिए, तो हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब एक क्विक रीकैप करेंगे, 2 मिनट का करेंगे, मिस मत करिएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे एग्जाम के लिए, उतना अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी, और एग्जाम में आप लिख पाएंगे और रिकॉल कर पाएंगे प्रीलिम्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमने नेट्सको फैन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक नेटवर्क था रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें 8 डिफरेंट एरिया से इंस्टीट्यूशंस आते थे, चाहे वो फूड और एनिमल ओरिजिन का हो, फूड टेस्टिंग का हो, पैकेजिंग का हो, एटसेट्रा। देन हमने डिस्कस किया था चाइनीज पेडल फिश के बारे में, जो कि यांगजे रिवर में पाई जाती थी, उसकी जो लेंथ थी 7 मीटर तक जाती थी, और फ्रेश वाटर लार्जेस्ट फिश थी ये। इसके बाद हमने डिस्कस किया था 8 शेड्यूल के बारे में, और यहां पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती हैं अगर कोई भी लैंग्वेज। हमने तुलु लैंग्वेज के बारे में जो न्यूज में थी उसको डिस्कस किया था, वंस अ लैंग्वेज इज इंट्रोड्यूस इन द 8 शेड्यूल तो वो सीधे अकेडमी के लिए भी क्वालिफाई कर जाती है, एमपीज एमएलएस भी उसको यूज कर सकते हैं, और सिविल सर्वेंट्स भी उसको बोल सकते हैं और उसमें एग्जाम दे सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 29, जो कि एक डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और सिमिलरली आर्टिकल 30 जो था वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए था। फिर हमने गुरुद्वारा जन्म स्थान के बारे में बात करी थी, जो कि ननकाना साहिब सिटी पाकिस्तान के अंदर है, और ननकाना साहिब गुरुद्वारा भी इसे कहा जाता है। बनाया किसने था? इसे महाराजा रणजीत सिंह ने, जब वो मेटल मुल्तान से वापिस आ रहे थे तो यहां पे इस सिटी के अंदर रुके थे और यहां पे ये बनवाया था। कुछ इस तरीके से दिखता है, चलते हैं आगे। फिर हमने डिस्कस किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आर्टिकल 30 में आता है, और यहां पर जो बेनिफिट्स होते हैं वो रिजर्वेशन के प्रोविजन इनके यहां एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और कॉम्पनसेशन इनको मिल जाता है। लेकिन न्यूज में इस वजह से था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि इवन दो यू आर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बट यहां पर जो आपका टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसमें गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेयर कर सकती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था IDRSS के बारे में, विच इज इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 2020 में इसकी पहली सैटेलाइट भेजी जाएगी, और इस सिस्टम की सेकंड सैटेलाइट 2021 में भेजी जाएगी, और बाकी जितनी सैटेलाइट हमारे यहां पर है उसे डेटा एक्सचेंज करने में ये हेल्प करेगी, और जो गगनयान हमारा 2022 तक जाएगा मैन मिशन, वहां पर भी ये काफी हमें हेल्प करेगी। इसके बाद हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में पढ़ा था, जिसे CAG ऑडिट कर सकता है। इसका पहले नाम होता था NCCF, दैट इज नेशनल कलेमिटी कॉन्टीजेंसी फंड। जो फंड है मैनेज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। ये कुछ एफर्ट्स हैं NDRF के। देन हमने इंडियन ग्रेट बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा राजस्थान ने जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टार्ट किया था, और इसमें फेंसिंग का जो प्रोविजन था वो किया गया था। देन हमने एक फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया, जू कुटुपई, जो कि मिजोरम गवर्नमेंट कर रही है, कहां पर? त्रिपुरा के अंदर, ताकि मीजो की जो पूरी ट्राइब है उनका रीयूनिफिकेशन किया जा सके। तो यहां पे स्कोर्स डिस्कस करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स जरूर लिखिएगा, इवन दो आपके स्कोर्स कम आ रहे, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में कम स्कोर करना भी फाइन है, और धीरे धीरे इसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखिए, कोई फिक्स चीज नहीं है, अगर आपने आज यहां स्कोर किया तो ये कोई फिक्स चीज नहीं है, आप चाहें तो कल ऊपर के ब्रैकेट्स में भी स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपने 8 to 10 MCQs आपके करेक्ट आए तो आप नीचे के ब्रैकेट्स में भी आ सकते हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जो हार्डवर्क है उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, और अगर आपकी डिटर्मिनेशन हार्डवर्क के साथ एक स्ट्रेटेजी भी आप इंक्लूड कर लेते हैं तो ऑफकोर्स आपके जो मार्क्स हैं अपर ब्रैकेट, जो आपका सेफ जोन है, यहां पर आप स्कोर करेंगे। तो कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिखिएगा। चलते हैं अपकमिंग टॉपिक्स पे, तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB, ऑफकोर्स जो कल की न्यूज होगी उसमें हम ये तीनों जो सोर्सेज हैं इसको यूज करेंगे। देन देयर इज अ लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज, यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उस वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू रख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।